तो पार्टी बाजी मत बनाइए, गुटबाजी मत बनाइए, मत कहिए हम कृष्ण राम के पुजारी, हम शंकर को नहीं पूजेंगे। स्वयं कृष्ण गोपेश्वर के रूप में, राम रामेश्वर के रूप में उसे पूजता है, तो फिर हमें और आपको उनकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। और हूँ एक गुप्त मत सब कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नरह भगतन पावहु मोर। स्वयं भगवान कहते हैं कि सबके बिना भैया भक्ति किसी को मिल नहीं सकती। और आप इधर देख नहीं रहे हैं, पहले नाचते हैं फिर 10 मिनट आपस में बात करते हैं। मैं नाच रही थी तो कैसी लग रही थी, मैं ही बता देता हूँ, मलुक लग रही थी। जी जी, अब आप कथा सुन लीजिएगा। इतदेव प्राप्रीता सत्येन हरये परम ददौ शुशाम्य वत्यर्थम देव संगे चपस्यति। भगवान परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठता को देखकर अति प्रसन्न होकर सभी देवताओं के सन्मुख महादेव ने यह बात कह दी कि विष्णु मेरे ही समान देवता हैं। ये कह दिया कि विष्णु मेरे ही समान हैं, ये बोल दिया। इसलिए हरि और हर में बिल्कुल भी अंतर मत समझिए। बिल्कुल आप हरि के पुजारी हैं, हर की निंदा मत कीजिए, और जो हर के पुजारी हैं वो हरि की निंदा मत कीजिए। क्योंकि जो हरि और हर की निंदा किसी में से भी किसी भी देवता की निंदा करता है तो उसे गैया मारने का पाप लगता है, गाय मारने का, गौ हत्यारे के बराबर उसका पाप है। यदि मैं झूठ कह रहा हूं तो रामायण का प्रमाण देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं। और अंगद के मुंह से वो आवाज निकली है, अंगद ने वो बात कही, उन्होंने कहा, डांट करके कहा रावण को, कासन तू देवताओं की अवहेलना करता है, निंदा करता है। सुन हरि हर निंदा सुन हे जो कान, हरि हर निंदा सुन हे जो कान, हो ये पापी गो सुने जो काना हो पाप गऊ हाथ समाना। प्रणाम पूर्वक कहना चाहूंगा, किसी भी देवी देवता के भगत हो, भूल करके भी किसी भी देवता की आलोचना मत करना, उसकी निंदा मत करना। ददौ शशाम्याम अत्यर्थम देव संगे चपस्यति। भगवान महादेव कहते हैं कि मैं अति प्रसन्न होकर ये कह रहा हूं कि विष्णु मेरे ही समान है, और भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव मेरे ही समान है, तो फिर उसमें द्वेष किस बात का। आज ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामिन प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये ब्रह्मे सरसा प्रमुक्षम। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। अपने सिर के कटने को भी मैं आश्रेष्ठ मान लेता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मन्ने वरम में सरसा प्रमुक्षम। नमस्तोभ्यम भगवते बंदवे विश्व योनये सैष्णवे च दोषाणाम संभवे शैल धनु बने। आपने इतना बड़ा धनुष धारण किया है, हे त्रिपुरारी को समाप्त करने वाले, हे त्रिपुर को समाप्त करने वाले त्रिपुरारी, हम आपके चरणों में वंदन और प्रणाम करते। तब भगवान महादेव ने ब्रह्मा की स्तुति सुनकर के क्या कहा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कहते हैं, अराज भयदे तो जगतः सर्वम नश्यति ततस्तम जय दंडार्यम बहुलोका धुरम शिशो। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान कहते हैं, वत्स अनुशासन का यदि भय नहीं होगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा, घर द्वार परिवार सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को अनुशासन में ही जिंदगी का निर्वहन करना चाहिए। बेटा पिता का अनुशासन न माने, विद्यार्थी गुरुओं का अनुशासन न माने तो क्या होगा, सबको समाप्त हो जाएगा। भगवान किसे अपना मानते हैं, जो उसका 56 भोग लगाता है उसका? नहीं नहीं नहीं, गलती मत कर बैठना, 56 भोग लगाइए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन भगवान किसको अपना मानते हैं, वो रामायण में कहते हैं, मम अनुशासन मान ही कोई, मम अनुशासन माने है जोई।
जो मेरा अनुशासन मानेगा, जो मेरे अनुशासन में रहेगा, वही मेरा प्रिय होगा, वही मेरा अपना होगा। तो भगवान शंकर ने यहाँ बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि यदि कोई अनुशासन न मानेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। सजग और समझदार लोग हैं, उन्हें बड़ों के अनुशासन में रहना चाहिए, ये भगवान महादेव कहते हैं। बेटियां हैं, बेटे हैं, हैं जो भी हैं, हम जैसे शिष्य लोग अपने गुरुओं का अनुशासन माने तभी बढ़िया जीवन जी पाएंगे। कहा कि यदि अनुशासन नहीं माना जाएगा तो संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था को चलाओ, ये भगवान शिव बोले। भगवान शंकर ने दोनों देवताओं के ऊपर फिर प्रसन्न होकर के कहा, अब केतकी नाम का फूल रो रहा था तो भगवान कहते रे रे केतक दुष्टत्व सठ दूर अमित ब्रजा। जब वो आगे आया तो भगवान का दूर हट, भगवान ने कहा, नारायण ने कहा कि प्रभु इसको भी आप क्षमा कर दो। केतकी नाम के फूल ने रो रो कर भगवान की स्तुति की। देखो सीधी बात है, गलती कर लेना जीव का स्वभाव है, लेकिन बड़ी बात यह है कि गलती का एहसास कर लो, गलती हो गई है उसको स्वीकार कर लो और कह दो प्रभु गलती हुई है, अनजान में जान में कैसे भी हो गई, लेकिन इस गलती को दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे। भगवान एक नंबर के भुलक्कड़ हैं, सब भूल जाते हैं, उन्हें पिछला याद ही नहीं रहता। यदि उन्हें पिछला याद रह जाएगा तो 73 जन्मों तक हम लोग माफ करने के अधिकारी नहीं है, इतनी गलतियां होती हैं। लेकिन वो तो दयालु है, वो बहुत बड़ा दयालु है, वो हमारी गलतियों के ऊपर इतना ध्यान देता नहीं है। तो केतकी नाम के फूल ने कहा, नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलम भवदा गया, सबलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किल्वसम। केतकी नाम के फूल ने कहा, हे नाथ आपको नमस्कार, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही बिल्कुल बिल्कुल निष्फल हो गया, हे तात मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा जन्म सफल कर दें, जाने अनजाने में हुए मेरा पाप जो हुआ है ये आपके तो स्मरण मात्र से ही कृपा से नष्ट हो जाएगा। भगवान हमने तो ऐसा सुना है जो आपका दर्शन कर लेता है तो उसके पास तो पाप ही नहीं रहते, जो आपके सन्मुख आ जाता है, देखो क्या सुंदर बात कही है, तादृशम त्वय दृष्टे मे मिथ्या दोष को तो भवेत, क्या सुंदर श्लोक है। क्या कहा, तादृशे त्वय दृष्टे मे मिथ्या दोष को तो भवेत, हमने तो सुना है कि कोई आपके सन्मुख आ जाए तो उसके संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। भोलेनाथ मैं आपके सामने खड़ा हूं तो क्या अभी भी पापी हूं? मुझे लगता है गोस्वामी जी ने सिंह महापुराण पूरा पढ़ा तभी तो रामायण में यह भी चौपाई लिख दी। कौन सी? जो भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोही जबई, सन्मुख होई जीव सन्मुख कोई आ जाए तो उसके संपूर्ण अपराध हैं जलकर के समाप्त हो जाते हैं। गलतियां हुई हैं, गलतियों का एहसास कीजिए, रोज भगवान को कहिए, हे प्रभु आप सा दयालु नहीं है कोई, पिता में भीष्म यही बोलते थे, आप जैसा दयालु नहीं है कोई, मुझ जैसा अपराधी नहीं है कोई, क्या करें, हमारी आदत है अपराध करने की और तुम्हारी महिमा है क्षमा करने की। भगवान हम जैसे अपराधियों को भी आप क्षमा कर देते हैं, आप कृपा पूर्वक उन्हें माफ कर देते हैं। आज केतकी फूल भी रो पड़ा और उसने क्या कहा, तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्या दोष कुतो भवेत्, क्या अभी भी मेरे अंदर दोष रहेगा, मेरे ऊपर तो दृष्टि आपकी पड़ गई,
तो भगवान शंकर ने कहा कोई देवता तो पूजा में तुझे स्वीकार करेगा नहीं, लेकिन यह मेरा वरदान है यदि शिवरात्रि के समय पर मेरे मंडप में तुझे प्रयोग कर लिया जाएगा तो एक वर्ष की पूजा का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी शिवरात्रि आती है रुई में केवड़े का इत्र लगाओ और भगवान के मंडप में लगा दो। केवड़े का केतकी का फूल मिल जाए तो फूल लगाओ, फूल नहीं मिलता है तो रुई में उसका इत्र लगाओ और फिर उसको मंडप में लगा दीजिए। इससे वर्ष भर की पूजा प्राप्त होती है। भगवान शिव ने यह वरदान दे दिया, आनंद हो गया। ईश्वर ने कहा हे पुत्रो आज का दिन महान है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है इससे मैं तुम लोगों के ऊपर अति प्रसन्न हूं, इसी कारण आज का दिन अद्भुत दिन होगा और आज के दिन को लोग शिव महारात्रि के नाम से जानेंगे। ये भगवान शिव बोले। क्या कहते हैं, तुष्टो मध्यमा वत्सु पूज्यास्मिन महादिने, दिन में तत्तथा पुण्यम भविष्यति मे तुम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषा मम प्रिय, आज की तिथि मुझे अति प्रिय होगी। शिव महारात्रि की रात्रि को ब्रह्मा और विष्णु ने प्रथम अभिषेक इन दोनों देवताओं ने किया। भगवान शंकर महारुद्राभिषेक से अति प्रसन्न होते हैं। आगे वैसे वर्णन आवेगा किन किन चीजों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शंकर की पूजा विविध प्रकार से की जाती है, लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यदि सबसे कुछ और परम साधन है तो महारुद्राभिषेक है। नई पिंडी लेकर के आते हैं तो उस पर सबसे पहले जल से ही अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय। आप ये मन सोचना कि घी से नवा दोगे तो महादेव ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, आप दूध से नवा, देखो छोटी छोटी बातें और आप भूल जाएंगे। जब भी आप अपने घर में नया शिवलिंग लेकर के आते हैं तो प्रथम अभिषेक है वो जल से ही होना चाहिए, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय। इसी से महापुराण में लिखा है कि भगवान महादेव को जल से अभिषेक करने पर बाप बेटे का कलह दूर हो जाता है, पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं रहता, कलह नहीं रहता। जल से भगवान का अभिषेक करने का इतना बड़ा महात्म्य है, इतनी बड़ी महिमा है। अभी अभी हमारे मध्य में यमुनानगर से श्री सुशील जी गर्ग आना हुआ है। मैया भी आई है, बैठिए। आश्रम के साथ बड़ी करीबी के साथ जुड़े हुए हैं। आश्रम की ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें सुशील जी का सहयोग न हो। तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। पिछले साल हम इन दिनों में यमुनानगर में थे, मार्च में थी कथा, बहुत आनंद आया, बड़े आनंद आए, लेकिन मन भरा नहीं है। बड़ा कार्यक्रम तो यमुनानगर में बाद में होगा, क्योंकि वो कथा तो शहर से इतनी दूर पड़ गई थी कि सब लोगों का पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। बैठिए, आप पहुंचे। हमारे मध्य में श्री सियाराम जी गोयल बैठे हुए हैं, इतने बढ़िया आदमी हैं। अभी हमारा 26 तारीख को जन्मदिन था, बहुत लोग आए, बड़े बड़े संत महापुरुष महात्मा आए। 26 तारीख का पूरा भंडारा, कई हजारों लोगों ने भोजन पाया और चीज़ें तो इतनी बनी थी जैसे शादियों में मेनू तैयार होता है। पूरा भंडारा श्री सियाराम गोयल जी की तरफ से था। आनंद या आनंद हुआ बहुत, ये हमने वहाँ अनाउंस भी किया था। आप पहुँचे हैं मेरी पवित्र व्यासपीठ से, आपका बड़ा आदर। माने एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, जय श्री राम। अब आप वहीं प्रसंग में आ जाइए जहां कथा चल रही है कि भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, वो महारुद्राभिषेक से अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान क्या बोले, शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेषा मम प्रियः, आज की रात्रि को शिव महारात्रि के नाम से जाने जाएगा। और भगवान शंकर कहते हैं जो शिव महारात्रि को चार पहर की मेरी पूजा करेगा उसके ऊपर मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। शिव महारात्रि को चार पहर की पूजा होती है, पूरी रात भर। अब के बार हम दिल्ली में थे, बड़ा अद्भुत अनुष्ठान था, पूरी रात भर पूजा करते रहे सुबह तक। आरती सुबह हुई थी 6 बजे, रात भर। उस दिन शिवरात्रि थोड़ी लेट शुरू हुई थी, 9:54 पर आई थी शिवरात्रि। पूरा रात भर पूजन हुआ,
चार पहर की पूजा है, हर साल किया करो। इससे भगवान महादेव बड़े राजी होते हैं। शंकर पर काला तिल चढ़ता है, शंकर पर जौ चढ़ता है, भोलेनाथ के ऊपर गेहूं चढ़ता है। इसी ग्रंथ में लिखा है भगवान महादेव के ऊपर 100,000 गेहूं चढ़ाने से परिवार की वंश वृद्धि नहीं रुकती। एक एक दाना चढ़ता है, घर के 5-7 लोग इकट्ठे होकर के बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय जपते रहो, एक एक दाना चढ़ाते रहो, एक एक दाना चढ़ाते रहिए, आनंद हो जाएगा। इसी ग्रंथ में ये बात लिखी है। आयुष बढ़ाने के लिए तिल चढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि मूंग साबुत भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। किससे क्या मिलेगा ये इस कथा में आप सुनेंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हम अति प्रसन्न हैं, शिवरात्रि तक ख्याता तिथरे श्याम प्रिया, मुझे प्रसन्न करने के लिए यह शिव महारात्रि का व्रत है, भक्तों के लिए बहुत आनंद कर देने वाला होगा। सूत शौनक ऋषियों को सावधान करते हैं, कहते हैं शिवरात्रि वहो रात्रि निराहारो जितेंद्रिया अर्चित भा यथा नियाम यथा बलवत मंचक यथ फलम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम। जो निराहार रह करके बिना अन्न खाए हुए शिवरात्रि को रात को 4 बार पूजा कर लेता है, अभिषेक कर लेता है, भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं वर्ष एकम निरंतर, उन लोगों को पूरे 1 वर्ष तक भगवान की पूजा करने का फल एक ही शिवरात्रि की वजह से प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव की पूजा अब 365 दिन करके जितना फल प्राप्त करते हैं, उतना ही फल शिव महारात्रि को 1 रात्रि में महादेव के 4 अभिषेक पूरे करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। वह सारा फल केवल शिवरात्रि के फल से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य तत्काल 1 वर्ष की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि करता है, उसी प्रकार से शिवरात्रि की तिथि धर्म की वृद्धि करती है, इससे हमारा धर्म बढ़ता है। लिखा है मध्वद्य कालोयम चंद्र काल आयुवाप मुदे प्रतिष्ठात सबो यत्रा मामको मंगलायन। भगवान कहते हैं कि मैं उसका मंगल नहीं होने देता। जो शिव महारात्रि का उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और भगवान महादेव का उत्सव मनाते हैं, साल में एक ही तो वो बड़ी वाली शिवरात्रि आती है, तो इसलिए हर वर्ष महाशिवरात्रि को आप व्रत कीजिए। भले ही आप कोई व्रत नहीं करते हैं तो भी शिवरात्रि का व्रत तो जरूर कीजिए, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि मैं उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाता हूँ जो मेरी शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं। भगवान कहते हैं यत पुनः स्तंभ रूपेण स्थाविराह संग पुराह। शंकर जी ने कहा हे वत्सो, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था, मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र था, अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र पड़े और उस समय यदि कोई मेरा दर्शन भी कर लेता है, वो कहते हैं भगवान कहते हैं कि जो मेरा दर्शन कर लेता है, मेरा पूजन कर लेता है, और तो मैं क्या कहूँ, उसको उस पूजा का 1 गुना नहीं करोड़ों करोड़ों गुना पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र पड़े और उस समय यदि भगवान शिव की पूजा कर ली जाए, भगवान शंकर की पूजा की जाए, तो इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। मृत्यु के समय पर उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। दर्शन स्पर्श न ध्यान जंतु नाम जन्म मोचनम, जन्म मोचन का अर्थ है मृत्यु से छुटकारा। पांव में कांटा लगे इतना भी दर्द नहीं होगा। आद्रा नक्षत्र पड़े मार्गशीर्ष के महीने में और उस समय कोई भगवान महादेव का अभिषेक पूजन कर ले, शंकर जी की तो कृपा ही अद्भुत है। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन दिने शुभे अव्यर्चनम च अधिकम फलम बाच मा गोचरम। तो वर्णन है कि शंकर की पूजा करने से लोगों की वाणी सिद्ध हो जाती है, जो मुंह से बोल दे वही हो जाता है, जिसकी वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता कि शिव की पूजा का कितना बड़ा फल है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनां वासेन मरणेन च। अग्नि के पहाड़ जैसा भी यदि किसी का पाप हो तो लिंग शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से ऐसे पाप जल जाते हैं। तो वर्णन किया गया है अनेक प्रकार के तीर्थ हैं, बहुत तीर्थ हैं, तीर्थों की कोई कमी नहीं है। जिस घर में भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन होता है उस घर में संपूर्ण तीर्थ चल करके आ जाते हैं, वो घर तीर्थमय हो जाता है। बहुत लोग शंकर जी को छत पर रख देते हैं, तपते रहो ऊपर बैठे रहो,
बेलपत्र के गरुए में, चलो बैठो ऊपर ही बैठे रहो, मंदिर में क्यों नहीं रखते हो। ऐसे भगवान महादेव जो सर्व प्रकार से अपने भक्त के हितैषी है, वो तो आंखन के तारे होने चाहिए। हाँ, आप नारायण को पूजते हैं, विष्णु को पूजिए, खूब पूजिए, खूब पूजा कीजिए, हरि हर दोनों को घर में रखिए, हरि के रूप में शालिराम और हर के रूप में नर्मदेश्वर भगवान को रखिए। भगवान नर्मदेश्वर जिसको दूसरे शब्द में बाणलिंग कहा गया है, और ये वरदान भगवान शिव ने दिया है कि नर्मदेश्वर के ऊपर नीचे जहां भी चढ़ा हुआ प्रसाद मेरे भक्त को लेने का पूरा अधिकार है, इसलिए नर्मदेश्वर सबके घर में। भगवान का उत्सव मनाइए, यह सब करोड़ गुना फल देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र में भगवान की पूजा अभिषेक रुद्राभिषेक होता है, शुक्रवार के दिन यदि कोई ऐसा प्लॉट है जिसमें आपने खरीद लिया है, देखो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, मकान आप खरीद रहे हैं, एक बात मेरी बात मान लो, मैंने मत्स्य पुराण भी पढ़ा है, मैंने 84 एपिसोड डाले हैं वास्तु के, और ये वास्तु होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, ये होता है, वास्तु होता है। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब ये ग्रंथ पुराण पढ़े तब पता लगा कि ये होता है। तो ये मत्स्य पुराण में सबसे ज़्यादा वास्तु का वर्णन किया गया, उसमें यह भी वर्णन है कि आपने जमीन खरीद ली है, मकान बन नहीं रहा है, जमीन का यदि कोई दोष है तो शुक्रवार के दिन किसी जानकार विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, और उस जमीन पर वास्तु का यदि कोई दोष भी होगा तो वो दूर हो जाएगा, भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिए, उस जगह पर दोष समाप्त हो जाएगा। गैया वहाँ कोई ला करके बांध दीजिए, गैया मूत्र करे, गोबर करे, इससे भी उस स्थान का दोष समाप्त हो जाता है। और एक तीसरी बात कही है, ऐसी भूमि पर तुलसी का रोपण कर दीजिए तो भी उस जमीन का दोष है समाप्त हो जाएगा। प्लॉट कैसा होना चाहिए, चौकोर प्लॉट को ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया है, भले ही 4 इंच ज्यादा जमीन हो तो जमीन आयताकार ही हो तो ज्यादा ठीक है, 100x125 का प्लॉट, 100x150 का, यानी जो आगे की भुजा है उससे थोड़ी पीछे की भुजा ज्यादा हो तो उस प्लॉट को ज्यादा अच्छा बताया गया, अच्छा माना गया। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं तो भी कोई ऐसा मन समझिए कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक प्लॉट ऐसा है यदि वो तो दान में भी मिल जाए तो भी उस पर भवन का निर्माण ना हो, और वो है त्रिकोण जिसकी एक भुजाई गायब है, सिर्फ 3 ही भुजाएं, त्रिकोण है उसमें एक भुजाई नहीं है रहने के लिए, आवास के लिए, ऐसे प्लॉट को ठीक नहीं बताया गया। वैसे उस ग्रंथ में लिखा है कि व्यापार के लिए सिंहमुखी प्लॉट बहुत अच्छा होता है, व्यापार के लिए वाणिज्य के लिए सिंहमुखी प्लॉट बहुत अच्छा होता है, और आवास के लिए गौमुखी प्लॉट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। गौमुखी प्लॉट कैसे कहते हैं, जिसका आगे फ्रंट कम होता है और पीछे चौड़ाई ज्यादा होती है उसे गौमुखी कहते हैं, और सिंहमुखी कैसे कहते हैं, जिसका फ्रंट ज्यादा होता है और पीछे की भुजा कम होती है उसको सिंहमुखी कहते हैं। व्यापार के लिए आगे की भुजा है ज्यादा, फ्रंट ज्यादा होना चाहिए, पीछे का कम होना चाहिए, और आवास के लिए आगे का कम होना चाहिए, पीछे का ज्यादा होना चाहिए। आपने प्लॉट खरीदा है तो भी इसको आप सिंहमुखी और गौमुखी बना सकते हैं। मान लिया जाए आपने ऐसा प्लॉट खरीदा है जो चौकोर है तो उसको आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे से थोड़ी थोड़ी जमीन निकाल दीजिए, आगे की भुजा को थोड़ा थोड़ा आप काट दें, थोड़ा थोड़ा निकाल दें, उसमें पेड़ लगा दें, पौधे लगा दें, जमीन तो आपकी है। निर्माण के लिए क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाँ बोलिए बांके बिहारी लाल की, तो थोड़ा थोड़ा सा आप उसमें से निकाल दीजिए तो आगे की भुजा थोड़ी कम हो जाएगी, पीछे की ज्यादा हो जाएगी, तो एक गौमुखी बन जाएगा। और मान लिया जाए सिंहमुखी बनाना है व्यापार के लिए तो पीछे से थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, आगे का पूरा रहने दीजिए तो वह सिंहमुखी बन जाएगा। भगवान शंकर की तो कृपा बड़ी अद्भुत है, जिन घरों में भगवान महादेव का पूजन होता है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में जलहरी का पानी नीचे गिरता है वह पूरा का पूरा जल पितृ लोक में पहुंचता है, ऐसा गरुण पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो यत फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम,
जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान कहते हैं पूरे वर्ष भर की पूजा का फल उन्हें मिलता है। तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रि मदर्चनात्, इसलिए हर वर्ष शिवरात्रि को ऐसे ही मत निकल जाने दीजिए। शिवरात्रि पर उपवास भी कीजिए, भगवान का वंदन पूजन कीजिए। आप में बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं। पूरे वर्ष भर सोमवार का व्रत करते हो, एक प्रदोष कर लेते हो, फल एक बराबर है। पूरे वर्ष भर सोमवार और प्रदोष करते हो, एक शिव महारात्रि कर लेते हो, तो उसका फल एक बराबर है। शिवरात्रि की इतनी बड़ी अद्भुत महिमा है, संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है। ग्रंथ में लिखा है, जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तो ऐसे लोगों का मुख देखने से प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया। तो ये बातें झुटलाने वाली नहीं है, हकीकत है। ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो इनकी आलोचना करते रहोगे, फिर तो उसको जादू कहोगे, टोना कहोगे और पता नहीं क्या क्या कहोगे आप। ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक भी नहीं। श्री प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण का बड़ा प्रचार इस देश में किया। हम लोग तो सभी ग्रंथों की कथा कहते हैं, आलोचकों की भी कमी नहीं रही। वीडियो हमने भी सुनाई है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम कहाँ से प्रकट हो गया? ये आज प्रकट नहीं हो गया, ये अनादि काल से था। लोगों के बीच में उन्होंने इसे परोसने का काम किया, उन्हें महत्व बताया। इस समय वो अस्वस्थ हैं, किसी ने होली में एक नारियल फेंक करके मारा, उनके सिर में लगा। अभी मेरी 3-4 दिन पहले उधर बात हुई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भगवान महादेव की कृपा से वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान शंकर की कथा उनके द्वारा लोगों के घर घर तक पहुंची है। जिन शिवालयों में ताले पड़े हुए थे, उन शिवालयों के ताले खुल गए हैं, मंदिरों में पूजा हो रही है। मुझे बहुत लोगों ने उस समय में जब लोग विरोध कर रहे थे तो मेरे पास भी फोन आए, कहा ये कहीं लिखा है क्या? मैंने कहा भैया लिखा है, इसके प्रति मेरी भी बड़ी श्रद्धा है, स्पष्ट वर्णन है उसका। तो हो सकता है कि आज हम वहाँ तक पहुँच जाएँ, तो इस चैप्टर का भी आज विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कर लेंगे। हम कहेंगे अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ रहेंगे, रहना चाहिए। लेकिन एक ग्रंथ कहता है जीवन सफल तभी है जब आप वहां रहें या हरि और हर का धाम बना हुआ है, या तो नारायण का तीर्थ है या फिर भगवान महादेव का तीर्थ है। ऐसे स्थानों पर आप 3-4 चीजें हैं वो जरूर कीजिएगा। क्या कि अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। तीर्थ में दान करने से करोड़ गुना फल मिलता है, हवन करने से करोड़ गुना फल मिलता है, और जप करने से भी करोड़ गुना फल मिलता है। लिखा है ना, यदि कोई काटे तो मेरी बात काट के तो बताए। ये मैं श्री विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 23 से बात बोल रहा हूँ। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा है कि तीर्थ में जाके आप दान करते हैं तो उसका 1 करोड़ गुना फल मिलता है, तीर्थ में जाकर के आप हवन करते हैं तो उसका भी 1 करोड़ गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए तो आज मैंने आपको बोला है कि वैष्णो देवी में जो अद्भुत होने के लिए जा रहा है यज्ञ तो भले ही 1, लेकिन उसका फल आपके लिए करोड़ गुना है, क्योंकि तीर्थ की ये महिमा है। तीर्थ में 3 चीज़ें, एक है दान, वर्णन है, एक है दान, एक है हवन और एक है जप, तीनों की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें श्लोक है अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। अत्र दत्तम हुतम जप्तम, दत्तम दान, तीर्थ में दान करोड़ गुना होता है, यज्ञ भी करोड़ गुना हो जाता है, और तीर्थ में जाकर के किया गया जो जप है वो भी करोड़ गुना हो जाता है। आप जब तीर्थों में जाते हैं तो अटैची 6-7 दिन 8 दिन पहले से लगाते हैं, इतना कपड़ा लत्ता भर भर के लेके जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कपड़े कम से कम लेके जाइए, सामान कम से कम लेके जाइए। तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो कुछ चीज़ हैं वो जरूर लेके जाइए। एक पंचपात्र लेके जाइए, पंचपात्र से कहते आप जप करते हैं, पंचपात्र नहीं रखा कोई भी जप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जप आरंभ करते पहले माला के ऊपर पानी डालना पड़ता है,
क्योंकि उसका जो सुमेरु है वो साक्षात भगवान गणेश है, और गणेश तत्व जल के अधिपति देवता हैं। उस माला के सुमेरु के ऊपर पानी डालना पड़ता है, आचमन करना पड़ता है। माला पूरी होती है तो फिर आचमन करना होता है। इसलिए अपने साथ में आप पंचपात्र लेकर के जाइए, आसन लेकर के जाइए, कोई पुस्तक लेकर के जाइए, और एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है, वो जप करने के लिए माला जरूर लेके जाइए। क्योंकि तीर्थ में आप एक माला का भी जप करते हैं तो उसका सीधा का सीधा फल उसका 1 करोड़ के बराबर है। इसलिए तो पहले लोग वानप्रस्थ जीवन में तीर्थ में पहुंच जाते थे। कुरुक्षेत्र की धरती पर बैठे हुए भक्तों, एक बार फिर सुन लीजिएगा, और ये बात बनावटी नहीं है, बात प्रमाणित है। श्री शिव महापुराण वेदेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा है, अत्र दत्तम हुतम जपत्वम सर्वम कोटि गुणम भवेत। तीर्थ में जाकर आप यज्ञ करते हैं, तीर्थ में जाकर के आप जप करते हैं, तीर्थ में जाकर आप दान करते हैं, तो उसका फल 1,00,000 गुना नहीं, उसका फल 1,00,000,000 गुना है अपने आप में। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। सुबह मैं यहाँ घूमने को आता हूँ, इस बगीचे में बहुत माताएं पुरुष लोग माला लेकर के जप करते रहते हैं, तो आप सच मानिए, कुरुक्षेत्र जैसी इस पावन धरा पर आप जो जप करते हैं, आपकी एक एक माला 1,00,000,000 गुणों माला के बराबर है। इसलिए तो हमारे ग्रंथ में लिखा है कि आप अभी 50 साल से नीचे की उम्र में हैं, तो 1.5 महीना हर साल तीर्थों में लगा करके आओ। यदि घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, बच्चों की भी शादी हो गई है, अब आप 60+ कर गए हैं, तो 1.5 महीना घर में रहना है, 10.5 महीना तीर्थों में रहना है। तीर्थों में 10.5 महीना बच्चों के लिए, सबके लिए आपने सब इतना कुछ किया। हमारे कलकत्ता से माई आई है, कहां बैठी है, माता भूतिका कलकत्ता से, कहां है मैया जी, थोड़ा तो हाथ उठाइयो, ये इधर है, ये माँ जी आप बड़े बड़भागी हैं। जब मैं कुरुक्षेत्र का महात्म्य पढ़ रहा था तब मेरे ध्यान में आपका रूप आया। अभी इन्होंने ब्रज 84 कोस यात्रा करी है, अभी वृंदावन में बहुत अद्भुत आयोजन हुआ, ब्रज 84 कोस यात्रा, उसके बाद में इन्होंने यहाँ मन बना लिया, यहाँ आने के लिए हाथ में माला लगी है, और इनकी माला देख करके मुझे लग रहा है यहाँ और भी भक्त लोग आए हैं जो जप करते हैं। मैं एक बार फिर आग्रह पूर्वक निवेदन करूँगा, जो आप एक माला जप रहे हैं, आप मान भले ही ले एक माला, लेकिन शिव महापुराण कहता है कि तीर्थ में जपने वाली एक माला 1 करोड़ माला के बराबर प्रभावशाली होती है। इसीलिए तो पहले लोग तीर्थों में अपना अंतिम शरीर निकालते थे, अंतिम समय तीर्थ में, लेकिन आए तो जितने बूढ़े होते हैं उतने ही घर में ज़्यादा घुसते हैं। इतना तो घर में रह लिए, कितने और रहोगे आप, बहुत तो घर में रह लिए, अब बाहर निकल करके आइए, तीर्थों में वास कीजिए। हम लोग भी तीर्थों में कितनी कथाएँ करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, आराम से रहने की व्यवस्था होती है, यहाँ जितना भी जन आ रहा है सबको चकाचक भोजन प्राप्त हो ही रहा है, घर में तो इंतजार करना पड़ता है बहू परोस के कब लाएगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल तैयार है। और इस वृद्धावस्था को नहीं आप सुधार सकते हैं, ये दुनियादारी में पूरा जीवन तुमने 60-65 साल खपा दी, अभी क्या और इस दुनियादारी से आप लेना चाहेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ रह गई है जो तुम्हें नहीं मिली। इतनी तो शादियाँ तुमने कर ली, पूरी रिश्तेदारी निभा ली, सब कुछ कर लिया, अब सब टेंशन मुक्त रहिए, जो बच्चे रह रहे हैं उनको रहने दीजिए, अब तीर्थों में आनंद लीजिए, गुरुजनों से जुड़िए, तीर्थों में भी जाकर होटलों की जरूरत न पड़े, महापुरुषों के सानिध्य में जीवन का निर्वाण हो। मैं फिर कहूँगा तीर्थ तारता है हमें, तीर्थ की महिमा अद्भुत है। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में भी तीर्थ की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया, वर्ष में कुछ समय निकालते रहिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। प्रभु से राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहें, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या कहा, वो कहते हैं कि चरण राम तीर्थ चले जाए, चरण राम तीर्थ चले जाए, राम
बसबोते के मन माई कुछ बातें विशेष बताई गई थी। रथोत्सवाद कल्याणम जनावासंतु सर्वतः अत्र दत्तम होतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। भगवान शंकर कहते हैं हे ब्रह्मा और विष्णु, जो तीर्थ में जाकर दान पुण्य करेगा, तीर्थ में जाके हवन यज्ञ और जप करेगा, उसको उसके करने का करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। ये बात कही गई और आगे की भी और बड़ी सुंदर बात है। मत क्षेत्र क्षेत्र में तरम अत संस्मृत मात्रेणा मुक्तिर भवत देही नाम। लिखा है कि आप घर बैठे भी तीर्थ का स्मरण कर लेते हैं, इससे भी जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। घर में भी रह करके आप तीर्थ का देखिए, लोग टेलीविजन पर कथा सुन रहे हैं, बगल वाला पूछता है कोई, अरे भैया कहाँ क्या कर रहे हैं? का कथा सुन रहे हैं। का किन की कथा सुन रहे हैं? कौशिक महाराज से की कथा सुन रहे हैं। का कहाँ हो रही है कथा? तो आप कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में से महापुराण की कथा हो रही है। तो यहां क्या लिखा है, अत्र स्मृति मात्रेण मुक्तिर भवति देहिनाम। आप तीर्थों का स्मरण कर लेते हैं, अपनी जिभ्या से पवित्र नाम उच्चारण कर लेते हैं, इससे भी जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महिमा तीर्थों की है। समझ में आ रही है कि कोरी तालियां बजा रहे हैं आप? सेठों की कथा में तो नोट मिलते हैं, सेठों की कथा में तो रुपया मिलता है, और सब रिश्तेदार आते हैं, मोटे मोटे भरे भराए लिफाफा मिलते हैं। सेठों की कथा में तो मिलते हैं नोट, बहुत ज्यादा नोट मिलते हैं, लेकिन तीर्थों की जो कथा में है वो मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, आनंद मिलता है, कल्याण।